रियासत में कोरोना वायरस की सूरत हाल का चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने एक आला सतह इजलास में जायजा लिया। मौके में सेहत के सेक्रेटरी सैयद अली मुर्तुजा रजवी, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन रमेश रेड्डी, डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर जी श्रीनिवास और दूसरे अहदेदार इसमें शरीक थे। इजलास में गुज़श्ता 12 दिन से COVID-19 वैक्सीन टीकों की मौजूदगी का जायजा लिया गया और उन्होंने जानना चाहा कि इसको दोबारा कब से शुरू किया जा सकता है। वाज़ह है कि रियासत भर में COVID-19 के टेस्टों का मामला भी एक हफ्ते से बंद है। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने डायरेक्टर जनरल पुलिस एम महेंद्र रेड्डी और तीनों कमिश्नरों ने पुलिस के साथ एक इजलास में 30 मई को लॉकडाउन को बर्खास्त करने या फिर उसमें तौसी देने के मामले पर काफी गौर गौश किया। मदनापेट तरकारी मार्केट के कारोबारी परेशान। मदनापेट तरकारी मार्केट के कारोबारी परेशान। एक तो तालाबंदी ने कारोबार के वक्त को कम कर दिया है तो दूसरी ये कि मार्केट को आने के 4 रास्ते बंद कर दिए गए हैं। व्यापारियों का कहना है कि उन्हें रोजाना तरकारी फेंकना पड़ रहा है। सुनिए मुतासिरा कारोबारियों की जुबानी। 5 बजे रात को आ रहे सौदे बस में हो रहे पूरे बैला काले रहे सड़ जा रहे उसके पैसे उसको भी नहीं निकल रहे लास्ट लास्ट हो रहे सेठों को पद्दू कहाँ से बनना। एरिया कौन सा है? यही चाहिए मदनापेट एरिया। मदनापेट एरिया है आओ। तो आप लोग को कुछ परेशानी है इधर? परेशानी है बोल के नहीं था टाइम टाइम को करके सो पूरा बेचना पड़ रहा कर खराब हो रहा पूरा तरकारी तो देखो नहीं बिक रहा पूरा फेंकने को जा रहा लियो भाई देखो वहाँ गायों की तरफ गायें खा जा रहे गायें खा जा रहे पूरे सौदे पूरे 1700 कानों पूरे बंद कर दिए रस्से पूरे पब्लिक कहाँ से आते कोरोना कोरोना बोल तो कहाँ से भी तो भी आता कोरोना कैसा पकड़ लियो तो भी आता नहीं पकड़ो तो भी आता वो कौन सा रस्ते में खाने को आते रहते। अब वो 4 घंटे है ना आंटी 4 घंटों में कितनी पब्लिक आ रही इधर कहाँ कितनी पब्लिक पब्लिक ही चिन्ह आ रहा है टाइम गिरा के टाइम है उठाओ उठाओ बोल रहे आके गिरा कितने सौदे कितने नुकसान हो रहे कौन देते हमारे खाने को मुसीबत हो रहा ये कोरोना लगाना टाइम जरा बढ़ा के दियो तो अच्छा टाइम बढ़ाना सही है हम टाइम बढ़ाए तो अच्छा है टाइम बढ़ाने के अलावा आंटी यो मन को तिंडी मन राशन लू मन इंटली खर्चलू कैसा निकलते तेलंगाना में तालाबंदी के चलते जहां सभी लोग परेशान हैं वहीं शरपसंद अपनी शरारत से बाज नहीं आते। चुनाचे निजामबाद के रहने वाली सफिया फिरदौस नामी खातून हैदराबाद के कालापत्थर इलाके से एक फोन कॉल आया कि सफिया की आंटी की आखिरी सांसें चल रही है और फौरन हैदराबाद आने के लिए कहा। सफिया फिरदौस ने जैसे ही सुना हैदराबाद पहुंची। जिस नंबर से उसे फोन आया था उस नंबर पर कॉल किया तो उस फोन को स्विच ऑफ कर दिया गया। फिर सफिया फिरदौस ने इस बात की इत्तला कालापत्थर पुलिस को दी। जैसे ही इस बात का इल्म कालापत्थर पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर एस सुदर्शन को हुआ उन्होंने अपने पुलिस स्टेशन के जवानों के जरिए सफिया फिरदौस के रिश्तेदारों की तलाश की मगर कोई पता नहीं चल सका जिस पर इंस्पेक्टर सुदर्शन ने अपनी जाति खर्चे पर लड़की को वापस निजामबाद भेज दिया। आपका नाम? सफिया फिरदौस है। हमारे आंटी का नाम है। वजह क्या है कारण? हमारे आंटी को दूध दार बोल के हमारे मम्मी कल आए तो आ जाए। अच्छा क्या आपको मिला? नहीं मिला। फोन जो आप कॉल करे थे करे तो स्विच ऑफ आ रहा बंद स्विच ऑफ बता रहा। हाँ अच्छा आप यहाँ पर काले पत्थर पी एस वाले क्या करे आपकी मदद करे करे ना पुलिस वाले काले पत्थर पी एस गली अशोक फिर आए। हाँ खिलाए पानी भी दिए। आप क्या काम भी जा रहे हैं बस स्टैंड के तरफ घर को भी जा रहे हैं? हाँ। आप शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? शुक्रिया। देर से आए पर दुरुस्त आए। जी हाँ इस कोरोना वायरस की महामारी में लोग एक दूसरे से भाग रहे हैं और हैदराबाद की पुलिस है कि कोई मौका नहीं छोड़ रही मुकम्मल तालाबंदी नाफिज करने के लिए और खिलाफ वर्जी करने वालों पर चालानात मारने में। ऐसे में मीरचौक पुलिस ने मिराला मंडी और शहरान के पास तालाबंदी में छूट के वक्त खरीदो फरोख्त करने वालों और दुकानदारों पर कोरोना वायरस तालाबंदी के गाइडलाइंस पर अमल नहीं करने पर चालानात कर रही थी। जैसे ही इसकी इत्तला AMIM के पत्थरगट्टी कॉर्पोरेटर सैयद सोहेल महमूद खादरी को मिली उन्होंने पुलिस के इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और क्या किया आइए देखते हैं। काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन हुदूद में सुधाकर नामी शख्स गिरफ्तार।
जी हाँ नाजरीन, काचुगुड़ा के इलाके सुंदरनगर कॉलोनी में कुछ लोगों ने एक शख्स जिसका नाम सुधाकर बताया गया उसे पकड़कर काचुगुड़ा पुलिस के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सुधाकर पर इल्ज़ाम है कि वो इलाके के बच्चों को अगवा कर रहा था, जिससे बच्चे के मामू ने रंगे हाथों पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। काचुगुड़ा पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। आइए देखते हैं आगे की तफसीलात हमारे नुमाइंदे की यह रिपोर्ट में। वनस्तरीपुरम के इलाके FCI कॉलोनी में एक बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर में आग लग गई, जिसमें एक खातून की हुई मौत। तफसीलात के मुताबिक बालकृष्ण और उनकी बीवी सरस्वती अपने दो बच्चों के साथ वहां रहा करते थे। अचानक घर में आग लगी, बालकृष्ण और बच्चे जैसे तैसे घर के बाहर निकल पाए, मगर अफसोस के सरस्वती बाहर नहीं निकल पाई। सरस्वती आग की जद में आ गई और मौके पर ही सरस्वती की मौत हो गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बालकृष्ण और उनके बच्चों को फौरन करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर सरस्वती की नाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुर्देखाना मुंतकिल किया और तहकीकात शुरू कर दी है। एक दरिंदा सिफत औलाद ने अपने ही बाप पर किया हथियार से हमला। तफसीलात के मुताबिक टप्पा चबूतरा के रहने वाले जईब शख्स, जो अपने सगे छोटे बेटे और बीवी से मिलने के लिए किला गोलकुंडा गए, वहां जाने के बाद इनके छोटे बेटे ने इन्हें तेज धार हथियार से हमला कर दिया और ये जईब शख्स ने गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की। आइए देखते हैं तफसीलात। ये 5-8 एक तो मेरे को अब दबा के कर दिया है, मेरे को फरीद से जान की खतरा है, कहीं भी मार सकता है और अपने किसी दूसरे लोगों से भी मरवा सकता है। साहब मेरी सहायता कीजिए, ये लोग जो है मेरे को मारने को फिर रहे हैं रात दिन। मैं टप्पा चबूतरा में रहता था, मैं ईद मिलने के वास्ते यहाँ आया था कंचे में। अच्छा। तो मेरे को मेरे को फरीद मारा है, मेरे को बेटा है फरीद, फरीद जो है मारा है मेरे को, जमिया से मारा है। मेरा जो है ना हाथ पे पूरा जख्म हो गया, खून खून पूरा हो गया। साहब मेरे की रक्षा कीजिए आप लोग, ये मेरे को कहीं भी जान का धोखा है, कहीं भी मार सकता है। अब मेरे को जो है कंप्लेंट दे दिया हूँ मैं पुलिस स्टेशन में, कंप्लेंट दे के भी इतना टाइम हो गया, नौ बजे से अभी तक जो है ना कोई सुनाई नहीं हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मजे वह ये है मारने की मेरी, के जो है मेरे को जहाँ बोले वहाँ पकड़ के ऑटो चला रहा, तो वहाँ से पैसा छीन के ले जाता, यहाँ से पैसा छीन के ले जाता, नहीं दिए तो मैं मार देता हूँ। मेरा नाम जो है याबा रोड़ी है, याबा रोड बेटा हो ना, छोटा बेटा सब में। कैसे मारे आपको? हैं मेरे को उससे मारे, वो जमिया बोलते, छुरी बोलते, क्या बोलते हैं उसको, जमिया जो आता ना उसका, उससे मारे। हाँ आगे लगे पूरा टुकड़ा निकल गया। अजीमतर हैदराबाद में लॉकडाउन के निफास और पुलिस चौकियों का डायरेक्टर जनरल पुलिस एमपेंद्र रेड्डी ने पीर को मायना किया। उन्होंने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अहदेदारों ने पुलिस को हिदायत दी कि वो 12 मई से नाफिस लॉकडाउन में मजीद सख्ती पैदा करें और गैर जरूरी तौर पर घूमने वालों के साथ कोई रियायत न करें। महेंद्र रेड्डी ने नागोल चेकपोस्ट पर कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भगवत और दूसरे पुलिस अहदेदारों से बातचीत की। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों की गाड़ियाँ जो जब्त की जा रही है वो लॉकडाउन के खत्म पर ही उनके हवाले की जाएंगी। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो लॉकडाउन की पाबंदी करें और खुद को घरों में महफूज रखें। लॉकडाउन ने पटिष्ठंगा अमल చేయడం జరుగుతున్నది। ఈ వైరస్ స్ప్రెడ్ అనేది చైన్ బ్రేక్ చేయడానికి, స్ప్రెడ్ ని కంటైన్ చేయడానికి ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాన్ని పబ్లిక్ హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో ప్రజా ఆరోగ్య భద్రత ఒక లక్ష్యంగా ఈ లాక్డౌన్ ని మరింత కఠినంగా అమలు చేయడం చేస్తున్నాం। అయితే ఈ లాక్డౌన్ అమలు చేసే ప్రాసెస్ లో మన యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఈ ఎమర్జెన్సీ మెడికల్ సర్వీసెస్, అట్లాగే ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్ ఈ డెలివర్ చేసే వాళ్ళు కానీ, హాస్పిటల్కి సంబంధించినటువంటి డాక్టర్స్, పారామెడిక్ స్టాఫ్, అట్లాగే హాస్పిటల్ సప్లైస్, పేషెంట్స్ మూమెంటు, అంబులెన్సెస్ మూమెంటు, ఈ ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్ డెలివర్ చేసే అధికారులు, వారి సిబ్బంది ఐడెంటిటీ కార్డ్స్ తీసుకొని వచ్చినప్పటికీ కూడా వాళ్ళందరినీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు పర్మిట్ చేస్తున్నాం। ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి, ఏ పని లేకుండా, జెన్యున్ రీజన్ లేకుండా, కాజ్ లేకుండా రోడ్ల మీదకి రావద్దు, వస్తే అలాంటి వాడి విషయంలో మనం కఠినంగా ఉండడం జరుగుతుంది।
వాళ్ళ వెహికల్స్ సీజ్ చేయడం అట్లాగే వాళ్ళపైన చట్ట ప్రకారం చర్య తీసుకోవడం కూడా జరుగుతుంది. ప్రజలందరికీ మనవి, మీరు లాక్డౌన్ని గౌరవించండి. ప్రభుత్వం ఈ కరోనాని కట్టడి చేయడానికి తీసుకున్న ఈ నిర్ణయానికి తోడ్పడండి. పోలీస్ వ్యవస్థతో సహకరించండి. ఎంత తొందరగా వీలైతే అంత తొందరగా మనం ఈ వైరస్ని బ్రేక్ చేయడానికి చేయండి. అట్లాగే వైరస్ వల్ల కలిగేటటువంటి వ్యాధి మనం నిర్మూలించడానికి మీ అందరి సహాయ సహకారాలు కావాలని చెప్పేసి కోరుతున్నాను. लॉकडाउन में नरमी के दौरान पीर के दिन मदीना बिल्डिंग के पास ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गाड़ियों की चेकिंग के नाम पर आवाम को हिरासत करने की इत्तला मिलते ही याकूबपुर के मजलिस असेंबली अहमद पाशा शाह कादरी वहां पहुंच गए. उन्होंने पुलिस के जुल्म के खिलाफ एहतजाज किया और लॉकडाउन से परेशान हाल लोगों को गैर जरूरी तौर पर हिरासत करने को इंसानियत के खिलाफ बताया. उन्होंने कहा कि शहरियों को कानून का पाबंद बनाने से पहले उनमें शऊर बेदा करना चाहिए. अहमद पाशा कादरी ने कहा कि ट्रैफिक की मामूली खिलाफ वर्जियों पर भारी चालानात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. हमारी बस्ती का गरीब नौजवान हरी कृष्णा जो मदीना बिल्डिंग के पास पुलिस रोककर उसके फोटोआँ खींच रहे थे, उसने मुझे आवाज़ दी. मैं रुक के देखा, उसके पास नूरखां बाज़ार से बहादुरपुर तक उसके पास पास था दबीरपुरा पीएस का. लेकिन पास तक देखना गवारा नहीं करे, फोटोआँ खींच के कैसा बुक करना शुरू कर दिए. मैं गाड़ी से उतर कर एहतजाज किया. चार मिनट ट्रैफिक इंस्पेक्टर दौड़ते हुए आए. उन्होंने कहा कि कब हुआ, क्या हुआ. अभी थोड़ी देर पहले हुआ. फोटोग्राफर को बताए और एक जवान कांस्टेबल को जो गाड़ी इनकी छीन के फ़ोटो लेने के लिए कहा था, निशानदेही की गई तो इंस्पेक्टर ने माफ़ी चाही और कहा कि आप जाइए, हम कोई केस बुक नहीं करेंगे. फिर उनको वो लेटर बताया गया. इंस्पेक्टर भी देख के बोला कि इसके पास रहने के बाद कैसा फ़ोटो खींचते. तो ऐसा नहीं मालूम कितने लोगों के साथ ट्रैफिक पुलिस या लेनाडर पुलिस ऐसे वाकयात कर रही है कि गाड़ी रोकते ही फ़ोटो ले रही है, कैसा बुक कर रही है, पास बाद में देख रही. ये तरीक़ा पुलिस का गलत है. आप पूरा सेटिस्फाई होइए, डॉक्यूमेंट देखिए. कमिश्नर पुलिस के ऐलान के मुताबिक मेडिकल के अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट है तो उनको कर्फ्यू की पास की ज़रूरत नहीं, सीधा वो दवाखानों को जा सकते. और जिसके पास भी पास है वो देखें, पूरे डॉक्यूमेंट चेक करके आप फोटो लो, कैसा बुक कर, हम बीच में नहीं आएंगे. लेकिन ये गलत तरीके से लोगों को हरासमेंट करना पुलिस का काम नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए. तो इंस्पेक्टर ने वादा किया आइंदा से ऐसा नहीं होगा. चुनाचे वो हरी कृष्णा को उनकी फ़ोटो को डिलीट करके उनकी गाड़ी को भी वापस दे दिया गया. शुक्रिया. प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अरविंद कुमार ने पीर को पंजागुट्टा, जोबली हिल्स और बंसीलाल पेट के शमशान घाटों का दौरा किया और वहां आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए मनमानी पैसे वसूल करने की शिकायत का जायजा लिया. उन्होंने बताया कि जीएमसी ने लकड़ी से जलाने पर 8,000 रुपये की फीस मुकर्र की है, जबकि बर्फी के जरिए आखिरी रसूमात अदा करने की फीस 4,000 रुपये रखी गई है. उनके हमराह जोनल कमिश्नर खैरताबाद परवानिया भी मौजूद थी. कोरोना वायरस की वबा के चलते खानगी स्कूलों के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की माली मदद के लिए हुकूमत ने 40,94,86,000 रुपये जारी किए. 2,04,000 से ज्यादा मुलाजमीन के खातों में यह रकम राशि मुंतकिल कर दी जा रही है. इस स्कीम का आगाज आज बाकायदा तौर पर वज़ीर तालीम सबीता इंद्रडी ने किया. उन्होंने बताया कि स्कूलों की दोबारा कुशादगी तक हुकूमत इस स्टाफ को महाना 25 किलो चावल और 2,000 रुपये की इमदाद दे रही है. सेक्रेटरी मौके में तालीम रामकृष्णा राव, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन देवा सिन्हा और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे. रियासती हुकूमत ने जीएचएमसी के सैनिटरी वर्कर्स को जो कोरोना वायरस की वजह से आइसोलेशन में रह रहे हैं उनकी मुकम्मल तनख्वाह देने का फैसला किया है. जीएचएमसी के अधिकारियों ने बताया कि बल्दिया के 1,500 से 2,000 मुलाजमीन किसी न किसी वजह से काम से गैर हाजिर रह रहे हैं. रचाकुंडा सिक्योरिटी काउंसिल के तआवुन से मल्काजगिरी की साई बाबा मंदिर में खून की हत्या का कैंप मुनक़िद किया गया. कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने इफ्तिताह किया. इंस्पेक्टर मल्काजगिरी जगदीश्वर ने बताया कि खून का हत्या इंसानी जिंदगियों को बचाने में बड़ा काम आता है. गुड मॉर्निंग अंडी. श्री अष्टोत्तर शत चुक्कल चारिटबल ट्रस्ट मरियु राचकोंडा सेक्यूरिटी कौंसिल संयुक्तंगा ई रोजु रेड क्रॉस సహకారంతో బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ చేయడం జరుగుతున్నది. ఇక్కడ సాయిబాబా గుళ్ళో
రాచగొండ కమిషనర్ శ్రీ మహేష్ భగవత్ గారి పర్యవేక్షణలో మరియు మల్కాజ్గిరి ఎస్హెచ్ఓ జగదీశ్వరరావు గారి సహకారంతో ఇక్కడ బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ చేయడం జరుగుతున్నది. సో ఇప్పుడున్న ఈ సిచ్యుయేషన్లో పాండమిక్ సిచ్యుయేషన్లో చాలామందికి కూడా బ్లడ్ అవసరం ఉంది కాబట్టి ఈ ట్రస్ట్ మరియు సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ సంయుక్తంగా బ్లడ్ రక్తదానం తీసుకోవడం జరుగుతున్నది. ఈరోజు ఉన్న సిచ్యుయేషన్లో ఎందుకంటే మా ట్రస్ట్కి ఎంతోమంది కూడా కాల్ చేసి రక్తదానం అవసరం ఉందని హాస్పిటల్స్ నుంచి కానీ పేషెంట్స్ నుంచి కూడా ఫోన్స్ రావడం వల్ల మేము ఈరోజు ఈ డిసిషన్ తీసుకోవడము. దానికి లోకల్ సిఏ గారి సహకారం కూడా ఎంతో ఉంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ సాయిబాబా టెంపుల్ ఫౌండర్ మెంబర్స్ అందరికీ కూడా వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు రక్తదానం చేయండి, ప్రాణాలు కాపాడండి, ప్రతి ఒక్కరు ధైర్యంగా ముందుకు రండి. ఓం నమో శ్రీ వెంకటేశాయ. ముఖ్యమే పోస్ట్ కే ఖాతూన్ ములాజమీన్ కి తంజీమ్ నే दवाखाने उस्मानिया में कोविड 19 के मरीजों और तीमारदारों में खाने के पैकेट तकसीम किए. वहाँ एक हेल्थ सेंटर भी कायम किया गया है. चीफ पोस्ट मास्टर जनरल राजेंद्र कुमार की सरपरस्ती में ये मुहिम चलाई जा रही है. सीनियर सुपरिटेंडेंट पोस्ट ऑफिस विष्णु अम्बरीश की क्यादत में तंजीम के अरकान ने गजाई पैकेट तकसीम किए, जिनमें विष्णु ज्योति, वेंकट रेड्डी, चंदन, सतीश, मोहम्मद रसूल वगैरह शामिल थे. रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने अपने हुदूद में लॉकडाउन के निफाज का जायजा लिया. उन्होंने बालापुर और मीरपेट में अपनी शख्सी निगरानी में गाड़ियों की तलाशी की मुहिम चलाई. उन्होंने आवाम से अपील की कि वो कोविड-19 कवायद की पाबंदी करें और लॉकडाउन का एहतराम करें. बालापुर के शिवाजी चौरस्ता में यहाँ पे जो चेक पोस्ट है वहाँ पे अभी हम व्हीकल चेकिंग कर रहे हैं. 30 तारीख तक लॉकडाउन अभी एक्सटेंड किया है. हम देख रहे हैं कि काफी सारे लोग जो है सुबह 10:30-11 होने के बाद भी बिना परमिशन से घूम रहे हैं. उनके पास में कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, कोई पास नहीं है, कहाँ जा रहे उसके बारे में ठीक से बता नहीं रहे. ऐसे लोगों के खिलाफ हम कानूनन कार्रवाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम केसेस बुक कर रहे हैं. कल भी हमने 4000 तक केसेस नमूद किए थे. उसमें ज़्यादातर केसेस लॉकडाउन वायलेशन के, जो सुबह 10 बजे के बाद और नेक्स्ट मॉर्निंग 6 बजे वो समय जो है वो पीरियड रिलैक्सेशन का नहीं हो, लॉकडाउन पीरियड. लॉकडाउन के पीरियड में आप बिना वजह से अगर मूवमेंट करोगे तो पक्का केसेस बुक हो जाएंगे. गवर्नमेंट ने आपको 4 घंटा दिया हुआ है, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक. वो पीरियड में आपको जो कुछ मूवमेंट करना है वो मूवमेंट कीजिए. अगर आपको लॉकडाउन समय में इमरजेंसी है तो आप ई पास के लिए अप्लाई कीजिए. जो डिपार्टमेंट को हमने परमिशन दी हुई है जो नंबर 102 जो नंबर 8 में, उन लोगों के साथ हम पूरी तरीके से कोऑपरेशन करके उनको हम फ्री चैनल दे रहे हैं. पर जो लोग बिना वजह से घूम रहे हैं, बिना मास्क पहन के घूम रहे हैं, पक्का उनके खिलाफ केसेस भी हम लोग बुक कर रहे हैं. हमारे लोगों से यही गुजारिश है कि आप पुलिस के साथ पक्का ताउन करो. जहाँ जहाँ पे हमें आप लोग गलत नोटिस में अगर आ रहे ऐसे दिखेगा तो पक्का कानूनन आपके खिलाफ में हम लोग कार्रवाई करेंगे. थैंक यू. रियासती वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने बताया कि रियासत के तमाम अजला में कोविड-19 के इलाज और मालजे के लिए खसूसी वार्ड्स कायम किए गए. उन्होंने कहा कि कोरोना से मुकाबले के लिए हम सबको एकजुट हो जाना चाहिए. गढ़वाल में सरकारी दवाखाना का मायना करने और एक आला सत्य इजलास में सूरत हाल का जायजा लेने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लोगों में कोरोना को लेकर एक किस्म की तश्वीश और मायूसी पाई जाती है जो कोरोना वायरस के बारे में खौफ का माहौल पैदा करने का सबब बन रहा है. उन्होंने कहा कि इस मर्ज से बहादुरी के साथ मुकाबला करने की जरूरत है. अरकान असम्बली बी कृष्णा मोहन रेड्डी, अब्राहम रुकन खानोसास कौंसल वाणी देवी, सुपरिटेंडेंट पुलिस रंजन रतन और दूसरे भी इस इजलास में शरीक थे. कोविड-19 के मरीजों के बेहतर इलाज के लिए महबूब आबाद के एरिया हॉस्पिटल में एक खसूसी ब्लॉक ऑस्ट्रेलिया में मुखीम एक तारीख वतन जोड़े की माली मदद से कायम किया गया है. वजीर कबायली महबूब सत्यवती राठौर ने इसका अफ्तताह अंजाम दिया. इस ब्लॉक की तामीर पर 68 लाख रुपए का खर्च आया है. वजीर कबायली महबूब ने बताया कि मुकामी रुकन असम्बली बी शंकर नायक ने अपनी सालगिरह के मौके पर ब्लॉक की तामीर में 5 लाख रुपए का हत्या दिया. सदर रशीद जिला परिषद ए बिंदु, रुकन असम्बली बी शंकर नायक, जिला कलेक्टर वीपी गौतम, म्यूनिसिपल चेयरमैन राम मोहन रेड्डी और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे. नल्लाकुंटे के रत्नागिरी में एक जिम्नास्टिक कोच 25 साल मानिकांता कल रात अपने घर में मुश्तबा हालत में मुर्दा पाया गया.
बताया जाता है कि वो कोच की हैसियत से एक फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर में काम करता था, लेकिन उसकी मुलाजिमत खत्म कर दी गई, जिसकी वजह से वो दिलबर्दाश्त रहने लगा था। पुलिस काचुकड़े ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया और मसले पर तहकीकात। सीएम केसीआर का गांधी और एमजीएम हॉस्पिटलों का दौरा एक दिखावा, कांग्रेस का इल्जाम। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी टीपीसीसी के तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन ने हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल और वारंगल के एमजीएम हॉस्पिटल का वजीर आला केसीआर का दौरे को दिखावा करार दिया है। उन्होंने कहा कि वजीर आला का दौरे के पहले से ही इल्म था, चुनाचे अहदेदारों ने दवाखानों की कारकर्दगी को बेहतर दिखाने के लिए लीपाथोपी कर दी। सैयद निजामुद्दीन ने कहा कि अगर वो असल सूरत हाल की जांच करने में संजीदा होते तो वो किसी को बताए बगैर अचानक दौरा करते। आप तमाम लोग जानते हैं कि जो है तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव जो है 19 तारीख के दिन गांधी हॉस्पिटल को विजिट करे। जिस दिन उन्होंने गांधी हॉस्पिटल को विजिट कर रहे थे, उस दिन सुबह से सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा था कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जो है गांधी हॉस्पिटल को विजिट करने वाले हैं, जिसकी वजह से तमाम मेडिकल डिपार्टमेंट का जो है अटेंशन जो है गांधी के तरफ हो गया। जिस वार्ड में इन्हें विजिट करना चाह रहे थे उस वार्ड को प्रॉपर सैनिटाइज किया गया, उस वार्ड के अंदर कौन से पेशेंट्स को रखना है, कौन से पेशेंट्स उस वार्ड में अवेलेबल है, वो लोग प्रॉपर फीडिंग हुई, जो लंच का टाइम था जो है प्रॉपर लंच का जो अवेलेबिलिटी उनको मिली, ये तमाम चीज़ें ऑर्गेनाइज तरीके से हुए और वो तमाम रिपोर्ट जो है आवाम के बीच आई। वो एक सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट रहा। मेरा बोलना यह है कि 1980s की मैं बात बोल रहा हूँ कि उस वक्त के चीफ मिनिस्टर एनटी रामाराव साहब ने एक सरप्राइज विजिट जो है निम्स में किया था। उन्होंने जब निम्स हॉस्पिटल के अंदर विजिट करा तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि जो है पेशेंट्स पड़े हुए हैं, डॉक्टर्स चेयर पे नहीं है, स्टाफ जो है अवेलेबल नहीं है। इमीडिएटली उन्होंने डिसीशन लेकर अपने सेक्रेटरी को बोल के इमीडिएट पूरों को सस्पेंड करा। वो सस्पेंशन जो है पूरे आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को अलर्ट करा। मैं बोलना चाह रहा हूँ हमारे केसीआर साहब, अगर आपकी नीयत गरीब आवाम के लिए अच्छी है, आप जो गवर्नमेंट के जो तरफ से जो कोरोना पेशेंट्स को बेनिफिट देना चाह रहे हैं, अगर वो आवाम तक पहुँचना है, डॉक्टर्स जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जब पेशेंट जा रहा था उसको सही मानों में अगर मदद होना है तो आपके सरप्राइज विजिट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी सरप्राइज विजिट है तो ही जो है गरीब आवाम का फ़ायदा हो सकता। आप उसके बाद 22 तारीख के दिन जो है एमजीएम हॉस्पिटल भी विजिट करें, इस तरह से आप कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स विजिट कर रहे हैं, लेकिन अगर वो सरप्राइज विजिट रहा तो आवाम का भला हो सकता, वरना ये पब्लिसिटी स्टंट के सिवाय कुछ भी नहीं है। ऐसे वक्त में जो है ना आवाम, जब गरीब आवाम कोरोना वायरस की जो वबा से परेशान है, उस परेशानी की हालत में हुकूमत को चाहिए कि जो है उनकी किस तरह से मदद की जाती। आपके पास जितने मिनिस्टर्स हैं वो तमाम मिनिस्टर्स को भेजो, अपने अपने एरिया के जो जो भी इंचार्ज मिनिस्टर्स हैं, जो जो एरिया के अंदर मिनिस्टर्स हैं, पूरे लोगों को बोलो जाके सरप्राइज विजिट करो, बोलो, ताकि गरीब आवाम को जो गवर्नमेंट पहुंचाना चाह रही हो सही मायने में पहुंच सके। कारवान के मजलिस रुकन असेंबली कौशल मुहिद्दीन ने निजाम कॉलोनी टोली चौकी में बॉक्स टाइप ड्रेन की तामीर के काम का मायना किया और उनकी आजलाना तकमील की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने अकबरपुरा, अहमद कॉलोनी, यूसुफ टेकरी, मोती दरवाजा, हीरा खाना, रेशमबाग का भी दौरा किया। नाना नगर के कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन और नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद हारून के अलावा दूसरे सरगर्म मजलिस कायदीन भी उनके हमराह थे। बुरा बंडे के गवर्नमेंट हाई स्कूल को 40 बिस्तरों वाले आइसोलेशन सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। बुरा बंडा डिवीजन में ऐसे लोगों को जिन्हें कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव पाया गया आइसोलेशन में रहने के लिए तकलीफ हो रही थी। साबिक डिप्टी मेयर और बुरा बंडे के कॉर्पोरेटर बाबा फसुद्दीन ने इस सेंटर का अफ्ताह किया। बाबा नगर की खातून करीमा बेगम जो 6 माह की हामिला थी मलकपेट एरिया हॉस्पिटल से लापता हो गई। बताया जाता है कि वो अपनी जेठानी के हमरा तिबी मायने के लिए दवाखाने को सुबह 8 बजे पहुंची थी, लेकिन इंतजामिया ने जेठानी को अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं दी। चुनाचे वो 10 बजे तक दवाखाने के बाहर अपनी देवरानी का इंतजार करती रही। जब वो वापस नहीं आई तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों को इसकी इत्तला दी, जिस पर तमाम रिश्तेदार दवाखाने के पास जमा हो गए और फिर एहतजाज करने लगे। उन्होंने ताजुब का इजहार करते हुए कहा कि करीमा बेगम अगर दवाखाने में नहीं है तो फिर कहाँ है। दवाखाने के इंतजामिया ने अपनी लाइलमी का इजहार किया। 3 महीने से बता रहे हैं, यहाँ पर परसों लेके आई, 2 दिन के बाद क्या बोले ना स्कैनिंग निकालेंगे लेके आओ बोले। बच्ची का नाम क्या है? बच्ची का नाम करीमा बेगम है। कितने महीने की प्रेग्नेंट है बच्ची? 6वां महीना लगा। कौन से हॉस्पिटल में बता रहे हैं? मैं बताए थे वहाँ पर कि ट्रीटमेंट हो गया,
अमल ठहरे बाद में 5 महीने वहाँ बताई, अब उतना गुंजाइश नहीं है वहाँ पर, बहुत पैसा लग रहा था। यहाँ पुलिस दवाखाने में लेके आई हूँ, 3 महीने से लेके आई हूँ, 3 महीने आज आई बच्ची अंदर एंट्री करी गए थे, वो गेट से जेठानी को आ बोले आए तक फ़ोन पे बात करें, उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ होगा, बच्ची नहीं है, 7:30 से 7:30 से गायब है बच्ची। बच्ची किसके साथ आई थी? जेठानी के साथ आई थी। उन्होंने क्या बोल रहे थे? उन्होंने बोल रहे हैं मैं फ़ोन करी बात करें, इधर से आओ भाभी पीछे से बोले, उसके बाद गायब हो गए। उन्होंने पूरा ढूंढे ढूंढे, हाँ अंदर जाके पूरा ढूंढे, उसके बाद हम आपको फोना करें। अब हम लोग पूरे आए, घर वाले ससुराल के भी आए, हमारे भी आए, पूरे खानदान पूरे आए थे। आपको किसी के ऊपर डाउट है कोई लेके गए? वो कल सहेली परसों माया खुद सहेली बोली गई। क्या कौन सहेली? हुमेरा बोल के है, सहेली बोली गई थी यहाँ पे, मैं स्कैनिंग निकालती हूँ आओ फ्री में करी माँ बोल के बोली गई। वो सहेली कहाँ रहती? घुट्टे पे रहती बोल के बोली गई। मतलब सहेली जो है यहाँ पे काम करती है, मतलब पहले से नर्स की ड्यूटी करती हूँ बोल के बोली गई हमारी बच्ची को। हमारी बच्ची को पहली बार मिली, नर्स की ड्यूटी करती हूँ बोली। अब हमारी बच्ची वो बच्ची के पास गाँव में पागल होके आई होंगी, उसके साथ गई नहीं मालूम, या दवाखाने में क्या से गायब हो गई नहीं मालूम। तो आपको डाउट है वो सहेली के ऊपर? अब वो देखी नहीं ना, मैं देखी तो डाउट करूँगी। वो सहेली को देखी तो एक बार डाउट करती थी, उसको देखी नहीं मैं, बच्ची खुद बाहर आके बोली अम्मी मेरी सहेलियाँ फ्री में कराती कहते मिली, गए तो गए पैसे 2000 में बाहर कराती मेटा बोल के बोली भी, बच्ची ने सुनी। वेस्ट की पुलिस टास्क फोर्स ने लक्ष्मीनगर कुतुबपुरे में बेड शॉप चलाने वाली एक 35 साल खातून रेखा भाई को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 20,000 रुपये माल्य थी, शराब की बोतलें जब्त की गई, बाद उसे कुतुबपुरा पुलिस के हवाले कर दिया गया। इंस्पेक्टर राजेश और सब इंस्पेक्टर तकियुद्दीन ने यह कार्रवाई की। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान COVID-19 की 4,554 अमवात होने के बाद इस मर्ज से अब तक मरने वालों की जुमला तदाद 3 लाख से ऊपर चली गई है। इस तरह अब हिंदुस्तान अमेरिका और ब्राज़ील के बाद 3रे नंबर पर आ चुका है। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि इसी मुद्दत में कोरोना वायरस के 2,22,000 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 21 अप्रैल के बाद से कोरोना वायरस के मुतासरीन की यह सबसे कम तादाद है। डायनेमिक सक्सेस द जूनियर कॉलेज, एंटर टू विन Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saidabad, Hyderabad. Phone 0402970124. An Institute of Success Schools.